फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अल्टीमेट टेस्ट की वेजिटेबल मूंग दाल खिचड़ी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज कुकिंग रेसिपी बाय संगीता विश्वरूप को भी अवश्य फॉलो करें। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेजिटेबल मूंग दाल खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल, 1 कप चावल और साफ धोकर मैंने इसे 10 मिनट पानी में भिगो के रखा है और धुली हुई मूंग की दाल मैंने ली है। और अब हम इसको डायरेक्ट कुकर में ले लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक और थोड़ा पानी डालेंगे और अब हमें इसकी 2 सीटी लेनी है। फ्रेंड्स, ये हमारा कुकर ठंडा हो गया है, इसको खोल लेते हैं। इतनी प्रोसेस आप पहले से भी करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बघार के लिए हम लेंगे पैन में थोड़ा घी और थोड़ा तेल। फ्रेंड्स, ये घी और तेल थोड़ा गर्म हो जाएगी, हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई। राई चटकने लग जाए कि हम इसमें डालते हैं थोड़ा जीरा। जीरा भी अच्छी तरह फूटने लग गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा लहसुन। इसमें मैं ले रही हूँ लहसुन में मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरा लहसुन भी लिया है, इसका व्हाइट पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है। लहसुन थोड़ा अच्छी तरह हो गया है, भून लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज और साथ में हरा प्याज का व्हाइट पार्ट भी मैं इसमें ले रही हूँ। प्याज को भी मैंने थोड़ा भून लिया है और अब 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड्स, आप लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें हिंग का फ्लेवर भी दे सकते हैं। प्याज को भी थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें डालते हैं टमाटर बारीक कट किया हुआ और साथ में हम डालेंगे पालक, साफ धोकर मैंने बारीक कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पालक थोड़ा श्रिंक हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास फ्रोजन मटर है वो मैं इसमें ले रही हूँ। आप यदि फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बॉइल करके ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर। मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो भी आप ले सकते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें एकदम बारीक कटी हुई गाजर मिक्स कर रही हूँ और साथ में हम मिक्स करेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। फ्रेंड्स, अब हम सब्जियों में मिक्स कर देंगे ये हमारी कुक की हुई खिचड़ी। हम सब्जियां और खिचड़ी सब एक साथ कुकर में भी कुक कर सकते हैं, पर इस तरह से जब हम ऊपर से सब्जियों में खिचड़ी मिक्स करते हैं तो इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। एक बार आप करके देखिए, आप इमेजिन ही नहीं करेंगे इतना बढ़िया स्वाद आपको मिलेगा। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, ये गर्म पानी में इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। ठंडे पानी की जगह हम गर्म पानी मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इनहेंस होता है खिचड़ी का। और अब हम फ्रेश अदरक ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेश अदरक का भी एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट फ्लेवर आएगा। और अब हम खिचड़ी में डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ में हरा प्याज और हरे लहसुन का ग्रीन पार्ट हम इसमें मिक्स कर देते हैं और थोड़ा हरा धनिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, जो स्वीटनेस के लिए नहीं पर सारी सब्जियों का स्वाद इनहेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ, फिर भी आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी मूंग दाल वेजिटेबल खिचड़ी। थैंक्स।